हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नाम अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ फ्लाई एस ब्रिक और रेड ब्रिक के बारे में। तो फ्लाई एस ब्रिक की मैंने वैसे वीडियो बना चुका हूँ, रेड ब्रिक की भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के अब भी कमेंट आते हैं कि सर फ्लाई एस ब्रिक और रेड ब्रिक अगर हमको अपने घर में यूज करना हो तो क्या बेटर रहेगा। तो देखो, सिंपल से मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ कोई ज़्यादा उस पर ना जाओ कि बहुत ज़्यादा लोग जो कहते हैं कि आप ये वाली ब्रिक यूज करो ये अच्छी होती है। देखो, जो जिस फील्ड का होता है वो अपनी चीज़ को अच्छी बताएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। रेड ब्रिक वाले जो भट्टे वाले मिट्टी वाली ईंटें, क्ले वाली ईंटें होती हैं जो, उनसे पूछो तो वो कहेंगे यार इससे बेटर चीज़ कोई है नहीं, ठीक है। फ्लाई एस ब्रिक वालों के पास जाओगे तो वो कहेंगे भैया इससे बढ़िया ब्रिक कोई होगी नहीं, इंसुलेशन काम करती है, अच्छे से बॉन्डिंग होती है। एसी ब्लॉक वालों के पास जाओगे तो वो अपनी कहानी बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई आपको घर बनाना है, ठीक है, तो कुछ भी आप अपना कोई बेचने के लिए बनाना हो, क्योंकि जानते हो बेचने वाले जो बनाते हैं वो ऐसे तैसे कर देते हैं, ठीक है, जो भी काम चाहे फ्लैट बनाते हो चाहे कुछ भी बनाते हो। लेकिन अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हो तो मेरी राय, मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मेरी राय यही है कि आप रेड ब्रिक ही यूज करो, फ्लाई एस ब्रिक मत यूज करो। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि रेड ब्रिक और फ्लाई एस ब्रिक में ज़मीन आसमान का अंतर इसलिए है क्योंकि रेड ब्रिक में आप अपनी उसकी गलतियां देख सकते हो कि ये ईंट पकी है, कच्ची है, ख़राब है, कैसी है, मतलब वो आप देख के बता दोगे। अनाड़ी आदमी होगा वो भी देख के बता देगा ये ब्रिक अच्छी पकी हुई है या फिर कच्ची है, क्या है उसकी, मतलब कमियां आप तुरंत निकाल सकते हो। लेकिन फ्लाई एस ब्रिक चलो अच्छी बनाते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी हेट कमेंट आए थे कि यार जो है फ्लाई एस ब्रिक आओ हम मजबूती दिखाते हैं, ये है वो है। अबे भाई, सबकी बात नहीं आ कर रहा हूँ, मैंने तो प्लांट की पूरी वीडियो बनाई थी, बल्कि उस वाली अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो आप इससे आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हो। इसमें क्या था, मैंने प्लांट पे जाके पूरी हर चीज़ देखी थी कैसा क्या होता है। जब यार मुझे पसंद नहीं आई चीज़ वो, तो मैं आपको रिकमेंड कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ बात फ्लाई एस ब्रिक की नहीं हो रही, फ्लाई एस ब्रिक में आजकल कंपटीशन बढ़ता है क्योंकि सबसे आसान काम है। उस वीडियो में कमेंट में भी जाओगे ना तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये मशीन कहाँ मिलेगी, मुझे भी प्लांट खोलना है। यार भट्टा बनाने के लिए आपको जो ईंट वाली क्ले वाली ईंटें होती हैं इनको बनाने के लिए आपको अच्छा सा तजुर्बा भी होना चाहिए और अच्छे से ज़मीन भी होना चाहिए, काफ़ी खर्चा आता है। एसी ब्लॉक भी होते हैं उनके लिए भी आपको तजुर्बा चाहिए, उसके लिए भी जगह चाहिए आपको अच्छी खासी, और उसके लिए भी अच्छे से खासे मिस्त्री भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन तब भी वो सरल है एसी ब्लॉक। फ्लाई एस ब्रिक में कुछ नहीं है, खाली आपको लेबर चाहिए, एक मशीन चाहिए, और छोटी जगह होगी तब भी आप खाली आपको रॉ मटेरियल जो है वो स्टोर करने की जगह होनी चाहिए और नॉर्मल काम आप आसानी से करा सकते हो, नहीं बहुत आसानी से काम हो सकता है इसका। तो ये मतलब ये कंपटीशन, अब वो क्या है, बस बना मशीन ले आए, बनाना शुरू कर दिया, क्या रेशियो डालना है क्या नहीं डालना, उनसे क्या मतलब, बस बिक रही है फ्लाई एस ब्रिक के नाम पे। यार मैं दोबारा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ भाई बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छी बनाते होंगे, बहुत सारे उसमें कमेंट भी आए थे कि इसमें ये चीज़ नहीं मिली इसमें, हाँ बिल्कुल शायद मिलाते हो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता। लेकिन जब मैंने चीज़ वो देखी कि बताओ खाली आप सैंड से, जिसको रेत बोलते हैं बालू बोलते हैं, वो फ्लाई एस हो गई आपकी, ठीक है, उसके बाद आपका जो सीमेंट है वो भी लोकल कंपनी, पता है कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं कि लोकल सीमेंट की बात हुई तो यहाँ पे जो वीडियो थी ये वाली, जो पहले वीडियो थी फ्लाई एस ब्रेक की, उसमें जो प्लांट में मैंने देखा था वहाँ लोकल सीमेंट यूज किए थे। तो उसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया, शायद उनका भी प्लांट हो और शायद वो यूज भी करते हों, ठीक है, कहाँ से यूज करते हो कहाँ प्लांट हो ये नहीं पता। उन्होंने कमेंट अभी शायद पढ़ा हो, आप देख सकते हो उस वीडियो में, उन्होंने कहा था कि हाँ लोकल सीमेंट जरूर यूज करते हैं लेकिन लोकल सीमेंट की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आप हमारे यहाँ आके चेक कर सकते हो, ये है वो है, इस तरह कुछ कमेंट था। भाई अगर लोकल सीमेंट से इतना मोहब्बत है, तुमको इतनी इतना प्यार है, तो अपने घर में यूज करो ना वो लोकल सीमेंट, अपने घर में क्यों यूज नहीं करते हो। अपने घर में जाओगे तो फिर अल्ट्राटेक ढूंढने जाओगे, एसी ढूंढने जाओगे और सब ब्रांड कोई ना कोई लगाओगे कि हाँ अच्छा ब्रांड लेना है, वहाँ लोकल सीमेंट यूज करो, क्यों डर लगता है फिर लोकल सीमेंट यूज करने में। भाई अगर दूसरे को दे रहे हो बना के तो उसके मत्थे क्यों डाल दो ये चीज़ की लोकल सीमेंट हम बना के उसको दे रहे हैं। भाई जो काम अगर तुमने कर रहे हो वो काम प्रॉपर तरीके से करो ना, जो जिस तरीका है, या फिर अगर नहीं चलो लोकल सीमेंट भी यूज करो तो कुछ और एडेसिव यूज होते होंगे बिल्कुल, ये मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो यही सब कुछ चीज़ें हों जो देख के आपको एक बार देख लो तो फिर मन हट जाता है उस चीज़ से। तो मेरा भी फ्लाई एस ब्रिक से मन दूसरी कारण एक और रहा है, मैंने कहा यूज नहीं है लेकिन यूज करने से पहले मैंने एक बार मैं चीज़ पहले उसको देखता हूँ कि क्या चीज़ है। अब मैंने एक साइड पे यूज हो रहा था, मेरा कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम करवा रहा था तो उस साइड में मैं गया, तो उसने क्या हुआ था कि जब भी ब्रिक वर्क किया, ब्रिक वर्क करने के बाद जब भी उसकी वाटर क्यूरिंग हो रही थी उस वॉल की, तो उससे जब भी वो पानी तराई करता तो जो भी पानी बह के आता नीचे
उसमें क्या है, सीमेंट टाइप की काला काला पानी निकलता है हरदम, मतलब हल्का सा लगता था कि कुछ मसाला है या फिर मोटर है वो निकल रहा है। तो लगता है एक दो बार हुआ तो सोच रहा साहब भाई अभी नया बना है इसलिए शायद हल्की सीमेंट निकल रही हो या फिर मसाला निकल रहा हो, लेकिन जब सूख भी गए तब भी उसका ट्राई करने के बाद वो भी हाल हो रहा था। क्या रीज़न उसका, फिर देखा गया कि यार जो भी ईंटें थी वहाँ की, वो जब भी तराई हो रही थी मतलब पाइप से, तो तराई होने की वजह से वो तराई इतनी ज़्यादा हुई थी कि वो मसाला जो ब्रिक वर्क ब्रिक थी ना फ्लाइस ब्रिक, उसका शेप ही बिगड़ रहा था, मतलब उसके शेप मतलब गल गल के निकल रही थी वो। तो सोचो वो सीमेंट मतलब लोकल सीमेंट की स्ट्रेंथ वो थी, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ बताते हैं कि लोकल सीमेंट की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है, तो भाई लोकल सीमेंट इतनी अच्छी है तो आप अपने घर में यूज करो, बेशक आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको इतना प्यार है उस सीमेंट से। अब ये जब बताओ जो तराई से खाली से ब्रिक आपकी शेप अनशेप हो रहा है, शेप उसका बिगड़ रहा है, तो क्या सोच सकते हो कि वो लाइफ आपके घर के 20 30 40 50 साल जो भी आपका घर होगा उतने दिन टिक पाएगी ईंटें आपकी। लेकिन और क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि जब ये क्ले वाली जो ब्रिक होती है, क्ले वाली ब्रिक में कम से कम जो आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, आप इस फील्ड के नहीं हो तब भी आप देख के बता दोगे ये ईंट पक्की है, ये ईंट कच्ची है, ये ईंट एकदम बेकार है, आपको देखने में। लेकिन फ्लाइस ब्रिक एक ही कलर की होती है, सब ग्रे कलर की होती है, सीमेंटेड कलर की, उसमें आप क्या करोगे आके, उसमें थोड़ी बताओ ये कच्ची है या फिर ये पक्की है, उसमें तो कोई पकना कच्चा होना कुछ होता नहीं। वाटर क्यूरिंग अच्छे से होगी तभी स्ट्रेंथ और अच्छी आएगी, वाटर क्यूरिंग कैसी होती होगी ये पता नहीं, खैर मुझे भी वहाँ पे कैसे करते हैं लोग। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये है कि फ्लाइस ब्रिक अब यही आपके रिस्क पे है। आप अगर आपको लगता है कि जो भी प्लांट आपके आसपास हैं या फिर उसमें से कोई अच्छा प्लांट जो बनाता हो, ऐसा नहीं सब एक तरह के होंगे, बहुत ऐसे प्लांट होंगे जो अच्छे बनाते होंगे बिल्कुल भी, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्लांट वाला अच्छा बनाता है तभी आप वहाँ से लो, ऐसे खाली फॉर्मेलिटी के मतलब कि हाँ हमको फ्लाइस ब्रिक ही यूज करना, भाई अपना घर बना रहे हो तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें गलतियाँ मत करना, सोच समझ के उस चीज़ को यूज करो। तो सिंपल सी बात ये करना है मुझे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लोगों को बुरा भी लग रहा हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक है। मेरा काम तो बताना, आपका काम है आप यूज करो या फिर ना यूज करो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।